ये है नथिंग फोन 1 और इस पे मैंने कंप्लीट सेटअप कर रखा है नथिंग ओएस 2.0 का। और ये सेम सेटअप आप अपने नथिंग फोन 1 पे कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि आप अपने नथिंग ओएस 1 के ऊपर कंप्लीट नथिंग ओएस 2.0 का फीचर्स बेनिफिट कैसे ले पाओगे। जहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पूरा का पूरा नथिंग ओएस 2.0 का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, चाहे वो विजेट्स रिलेटेड हो या फिर सेटिंग या फिर आपको जो लॉन्चर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नथिंग फोन से रिलेटेड एवरी टाइम अपडेट मिलता रहे। और हाँ, सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नथिंग ओएस 2.0 के जितने भी फीचर्स मैंने एक्टिवेट किए हैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी इंस्टॉलेशन के ऊपर है जो हम यहाँ पे फोकस करेंगे क्या कुछ चीज़ें आपको डालनी है ताकि ये कंप्लीट लुक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो गूगल का एक फोल्डर बना हुआ है जहाँ पे सारे गूगल के एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कैट का आपको इमोजी देखने को मिलता है जिस पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो इस तरीके से बड़े बड़े आइकन में कस्टमाइज, मिनिमाइज और रीनेम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जहाँ से आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो फोल्डर का जो नेम है वो, साथ साथ दूसरा आपको मिलता है कस्टमाइजेशन जहाँ पे आप इसे अलग अलग लुक में जो रख सकते हो। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो सही लगता है। तो इस तरीके से आप इन्हें जो कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको इमोजी रखना है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इमोजी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और एक अच्छा सा लुक आप दे सकते हो। अनदर यहाँ पे अगर आप किसी भी आइकन के ऊपर आते हो जो कि सिंगल है, आपको उसके विजेट सपोर्ट तो देखने को मिलते हैं और शॉर्टकट्स वगैरह भी, और एक यहाँ पे इसे श्रिंक और भाई एक्स्ट्रा लार्ज करने के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं जहाँ से आप आइकन को छोटा और बड़ा कर सकते हो। अनदर अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ब्लैंक स्पेस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे होम सेटिंग, विजेट और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे बड़े बड़े टाइल्स के रूप में जो कि पहले काफ़ी छोटा देखने को मिलता था। तो कस्टमाइजेशन पे जैसे आप टैप करोगे आपको दिखाई देगा वॉलपेपर एंड स्टाइल। यहाँ पे अगर हम चेंज वॉलपेपर पे आते हैं तो नथिंग ओएस 2.0 के सारे आपको लेटेस्ट वाले वॉलपेपर कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आपको जो नज़र आ रहा है, जो कि आप इसका फुल बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो अपने फ़ोन के ऊपर। साथ साथ यहाँ पे वही आपको थीम वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको लेआउट देखने को मिलता है जो कि आप 4 या 5 पे सेट कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे लेआउट अच्छा लगता है। अनदर यहाँ पे आपको नथिंग का आइकन देखने को मिलता है और यहाँ पे कलर वाला, तो आप ये यूज करोगे तो अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर अपेयर होते हैं जो कि आपके वॉलपेपर से रिलेटेड रहेंगे, या फिर आप चाहते हैं सिस्टम डिफॉल्ट भी है जो कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कस्टमाइजेशन के ऊपर। अनदर विजेट में आप देखो पूरा का पूरा विजेट्स प्रीव्यू आ चुका है जो कि पहले ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन के विजेट्स चाहिए वो आप यहाँ पे स्वाइप करके निकाल सकते हो, जैसे कि नथिंग एक्स का यहाँ पे मिलता है, NFT गैलरी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इसका खुद का लेगेसी जहाँ पे अलग अलग क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको क्लॉक अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका वेदर जिसमें आपको अलग अलग विजेट सपोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ नथिंग के क्लॉक वाले भी विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं विजेट्स का यूज मैंने यहाँ पे होम पे एक अच्छा सा सेटअप बनाने के लिए कर रखा है और ये सेम सेटअप आपने नथिंग फोन 2 के लॉन्च में देखा होगा, उसके अंदर ये चीज़ आपको जो नजर आई होगी जहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिस पे आप लॉन्ग प्रेस करके एडिट कर सकते हो या फिर इसके साइज को आप छोटा बड़ा है जो कर सकते हो आसानी से, जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। और लॉन्चर भी आप देखो नथिंग ओएस 2.0 वाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि टॉप पे सर्च बार है, और यहाँ पे मोस्टली आइकन आपके वॉलपेपर से मैच करते हैं। यहाँ पे हाइट सजेस्टेड ऐप आपको मिल जाता है, ओपन कीबोर्ड का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ से शो एंड हाइड भी आप है जो कर पाओगे। अनदर आप देखो है कि मैं अगर अबाउट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे नथिंग ओएस सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है जो कि 1.5.6 है, बट आपका 1. ओल्डर वर्जन भी है ना तो उस पर भी ये काम कर जाएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो वॉल्यूम पैनल इस पे टैप करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि ये भी मुझे जो काफ़ी हद तक यहाँ पे सही देखने को मिला। और यहाँ पे टैप करते इसका वेदर एप्लीकेशन ओपन हो जाता है जहाँ से आप जो कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे इजीली। नथिंग ओएस में जो ग्लिफ लाइट है इसके कस्टमाइज करने का एक नया स्पेशल एप्लीकेशन दिया गया था जो कि कंपोजर है, वो भी मैंने यहाँ पे जो डाल रखा है जहाँ से आप खुद से जनरेट कर सकते हो अलग अलग म्यूजिक वगैरह, जो कि आपको यहाँ पे कुछ अलग से ऑप्शन दे देते हैं जिससे आपको पता चलता है कि भाई कौन से लाइट किस तरीके से साउंड के साथ इफेक्ट देता है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके इस तरीके से आप खुद का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली इसे स्टॉप करो और सेव कर लो, जो भी नाम आपको देना है
सेव करने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लाइब्रेरी पे, जहाँ पे मैंने और भी है जो ऑलरेडी बना के सेव कर रखे। अब यहाँ से आप उसे प्ले करके चेकआउट कर सकते हो और फिर रिंगटोन और जैसे भी चाहो इसे आप जो सेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप चाहो तो इसे शेयर वगैरह भी जो कर पाओगे और डिलीट वगैरह भी आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे आना है और सर्च करना है जो कि ग्लिफ कंपोजर। आपको नथिंग ओएस की तरफ से प्रोवाइड किया गया ये ऐप देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इंस्टॉल करके ये जो सेटअप वगैरह है, ये सारे ऑप्शंस वगैरह है वो आप यूज कर पाओगे और अपने ग्लिफ लाइट को कस्टमाइज भी जो कर पाओगे। इस तरीके से आप काफी हद तक नथिंग ओएस 2.0 का कंप्लीट सेटअप अपने नथिंग फोन 1 के ऊपर कर सकते हो। लेकिन ये सेटअप के लिए क्या कुछ आपको करना होगा, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ फाइल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे एंड्रॉइड के साइट के ऊपर, जहां से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे अनजिप कर लेना है अपने फोन के अंदर, जहां पे आप देखो कि इतने सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं जो कि टोटल 7 है, जो कि कार्ट का है, सर्विसेज का है, लॉन्चर का है, नस्टिंग स्टब, उसके बाद वॉलपेपर है और वेदर वगैरह, जिसे आपको 1x1 करके अपने फोन के अंदर है जो अपडेट कर लेना है। जिससे क्या हुआ कि आपके जितने भी सिस्टम के ऐप है ना, ये अपडेट हो जाएंगे नथिंग ओएस 2.0 के ऊपर और जो चेंजेस मैंने आपको दिखाए ना, वो सारे चेंज आपको जो देखने को मिलने लग जाएंगे। उसके बाद आप इसे एक अच्छे सा कंप्लीट सा जो लुक दे सकते हो। लेकिन रही बात कि भाई आपको ये रख लिया लेकिन अब नहीं रखना है, बाद में हटाना है, नथिंग ओएस 1.0 वाले सारे फीचर्स को रखना है, 2.0 पे स्विच नहीं करना है, आप डायरेक्ट चाहते हो कि जब ओटी अपडेट आएगा तभी हम करेंगे, तो इसे आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हो। जिसके लिए सिंपल आपको सेटिंग पे जाना है, उसके बाद आपको ऐप्स के सारे इंस्टॉलेशन जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वहां पे जाना है, सो ऑल ऐप कर देना है। यहाँ पे आपको मिलता है सो सिस्टम ऐप। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपने डाला है उसे सर्च करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन्चर डाला है तो ये आपको लॉन्चर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल डॉट पे अनइंस्टॉल अपडेट। इस तरीके से आप इस पे क्लिक करके जो एप्लीकेशन आपने जो यहाँ पे इंस्टॉल किया है सर्च करके 1x1 करके अनइंस्टॉल कर सकते हो और सिस्टम डिफॉल्ट वाले जो सेटिंग है ना उस पे वापस आ सकते हो। तो आप मुझे बताना कि आपको कंप्लीट लुक 2.0 का कैसा लगा नथिंग फोन 1 के ऊपर। अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।